वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद केपी। तो आप सब कैसे हो, आए हो? बहुत 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 अच्छे होंगे, हम से भी अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरा घर का सारा कामकाज हो गया है। जयेश गया है स्कूल, उसका साइकिल टेस्ट चल रहा है और जयेश के पापा ड्यूटी चले गए हैं। और अभी जो है, अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और पूजा मेरा हो गया है। और अभी मैं जाऊँगी एक शॉप में जाऊँगी, वहाँ से कुछ सामान लेना है। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं और आज पूरा वीडियो के साथ बने रहिए, आज का पूरा अपडेट मैं आपको दूंगी। और जो है वीडियो तो पता ही है, वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। तो इतना दूर आप लोगों ने साथ दिया है, और भी थोड़ा सा साथ दे दीजिए, थोड़ा सा क्या, पूरा ही साथ दीजिए। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो ठीक है, आज के वीडियो के साथ बने रहिए। मैं चलती हूँ शॉप में, और शॉप में जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। घर आ गई हूँ और मैंने जयेश के लिए कुछ ख़रीदा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लिया है उसके। तो जयेश के लिए मैंने ये उलेन एक टी शर्ट लिया है, ये उलेन टी शर्ट है, ये अंदर फर है, ये देखिए, और एक हुड टाइप में टी शर्ट लिया है, ये हुड कम टी शर्ट है, और एक उलेन लोअर लिया है। तो ये तीन फिलहाल लिया है, और भी कुछ लेना था लेकिन था नहीं उनके पास। तो अभी मैं लंच बना लेती हूँ और जयेश को भी लाने जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो आज लंच में बनाएंगे पालक का मिक्स पालक, पालक हम लोग बंगाल में उसको पालक शक्कर चौचड़ी बोलते हैं। तो पालक में सारा सब्जी मिक्स रहेगा और चावल बनाएंगे। तो चलिए खेत से पालक तोड़ लाते हैं। बादल हो गया है, अभी थोड़ा सा बादल दिख रहा है, ये पालक है, पालक तोड़ लेती हूँ मैं फटाफट से। अब कुछ धनिया तोड़ लेती हूँ फटाफट से, देखिए धनिया पत्ती कितने सुंदर हुआ है। अब एक मूली तोड़ लेती हूँ, मूली की जरूरत है, मूली तोड़ लेती हूँ। मेरा बन चुका, अभी मैं जा रही हूँ जयेश को लेने। देखिए मैंने बनाया है, चावल है और ये पालक की सब्जी है, इसको बंगाली में हम लोग पालक शक्कर चौचड़ी बोलते हैं। तो इसमें मूली है, सारा सब्जी डाला जाता है। फिलहाल मेरे पास मूली था, मटर था और आलू, ये तीन सब्जी मिला के मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी लगता है। मैं किसी टाइम दिखाऊंगी इसका रेसिपी, आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। 3 बज रहा है, चलिए जयेश को लेके आते हैं, उसके बाद उसको नहलाना पड़ेगा क्योंकि सुबह ठंड होने के कारण मैं उसको नहला के नहीं भेजती हूँ, अभी आके नहाएगा। तो जल्दी जल्दी चलिए। पूरा बादल हो गया है, लग रहा है बारिश होने वाला है, देखिए सूरज नहीं दिख रहा है, वो उतना सा दिख रहा है, पूरा लग रहा है जैसे बारिश होगा। उससे आने के बाद उसको मैंने नहला दिया है, अभी वो ब्लोअर के पास बैठा हुआ है, और अभी हम लोग लंच करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं और जयेश हम दोनों लंच करेंगे, उसके पापा अभी आए नहीं, अभी 3:30 बज रहा है। तो मैं जयेश को खिला देती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। खाने में है कल का मेथी का साग है, और ये चावल है, और ये पालक की सब्जी है, पापड़ है। लंच हो गया है और जयेश के लिए जो ड्रेस लाए थे वो उसको अभी ट्राई किया है उसके ऊपर,
मैं दिखाती हूँ, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी शाम का 4 बज रहा है और बारिश हो रहा है बाहर। ठीक है, बारिश हो रहा है, बहुत हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो देखिए, जयेश के लिए जो ड्रेस लाए थे वो मैंने ट्राई किया है। ये हुड है और अंदर उसने जो पिंक कलर का टी शर्ट था उसने डाला है, पूरा फिट आया है। हुड का कैप लगाओ, कैप अच्छा लग रहा है। एक दाड़ाओ दाड़ाओ दाड़ाओ, ठीक करो दाड़ाओ, देखाओ देखी, एक दाड़ाओ, इटे हाशो। जयेश के पापा मटर लाए थे तो इसको मैं अभी छीलूंगी। मटर को छील के पहले से रख देने से सब्जी बनाते टाइम बहुत इजी होता है, नहीं तो सब्जी बनाने के टाइम में बहुत दिक्कत होता है मटर छीलने में। तो चलिए मटर छील लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो मार्केट से जो मटर लाए थे जयेश के पापा, वो अभी मैं और जयेश हम दोनों लोग मिलकर छील लेंगे। हम लोग मैक्सिमम जो है मटर को ऐसे ही रखते हैं स्टोर करके, क्योंकि फिर खाना बनाते टाइम दिक्कत हो जाता है। खाना बनाते टाइम जल्दी जल्दी में फिर होता नहीं मटर छीलना, तो इसलिए पहले से हम लोग छील के रख दे रहे हैं। गाइज, अभी अभी जस्ट मैं डांस क्लास से आई हूँ। दोपहर में आप लोगों ने देखा कि मैं मटर छील रही थी, उसके बाद जयेश के पापा आ गए थे, तो उस टाइम ऑलरेडी 4:45 बज चुका था, तो मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई थी। तो मैं उनको खाना दे के तुरंत चले गए थे डांस क्लास, और डांस क्लास से अभी अभी जस्ट मैं आई हूँ। अभी 6:15 बज रहा है। तो घर में आने के बाद जयेश आज घर पे ही था, उसके पापा थे तो घर पे ही था। तो अभी जयेश इधर खेल रहा है, उधर पीछे इधर खेल रहा है, देखिए। तो डांस क्लास से आने के बाद मैं जयेश को थोड़ा सा दलिया खिला रही हूँ, सुबह बनाए थे। और मेरी एक फ्रेंड ने फूलगोभी दिया था, वो फूलगोभी को मैं काट रही हूँ, उसका जो स्टेम है। और ये मटर को मैं पन्नी में भर कर रख रही हूँ। इन दोनों को मैं रखूँगी अभी फ्रिज में। ऐसे मटर रखने से बहुत ईजी होता है बनाते टाइम। देखिए ये रेडी हो गया है। হাত বড় হয়ে গেছে, তোর বলছিস ঠান্ডা লাগছে না? মাথা দিয়ে রাখ, মাথা দিয়ে রাখ, কানে শুনে রাখো, তাহলে রিটার্ন করে দেবো কিন্তু আমি। তাড়াতাড়ি খা, তাড়াতাড়ি খা, তাড়াতাড়ি খা, পিছনে সর, পিছনে সর, হাতে গ্লাস পরে খেলবি, পিছনে সর। নিচে আর একটা প্যান্ট আছে না ইনারের, এখানে এদিকে আয়, ওদিকে দেখা যাচ্ছে না তোকে ভিডিওতে, এখানে আয়, ঝটপট খাও। তাতে খা, তাতে খা, গুড ভাবে গেতো, দেখ কেমন খেতে পারো, একটু লবুট করো, গুড খাও, দেখছি কিন্তু সবাই দেখবে, কিন্তু যে কোনো খায় না মুখে বসে থাকে। তাতে খা, চুল ছাড়া, চুল ছাড়া, চুল ছাড়া, তাহলে খাও। और जयेश को खिलाने के बाद मैं दोपहर का जो खाने पीने का बर्तन है उसको मैं धुल ले रही हूँ, क्योंकि दोपहर में टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं दोपहर में धुल नहीं पाई थी। तो बर्तन वर्तन धुल के फिर रात का खाना भी बनाना है। जयेश को पढ़ाएंगे, उसके बाद डिनर बनाएंगे। आज जो है जयेश के स्कूल से पेपर मिला है जो टेस्ट ये किया था देखिए उसका। फ्रेंड्स, ये अभी जयेश का जो साइकिल टेस्ट चल रहा है उसी का देखिए, मैथ्स पेपर का, मैथ्स का पेपर दिया है, A+ मिला है। और ये देखिए, ये देखिए, खाली एक गलत हुआ है, इसने सनराइज को इवनिंग में कर दिया है, बाकी सब ठीक है। देखिए ये इंग्लिश, मैथ्स और EVS तीनों में जो है A+ मिला है। आज हुआ हिंदी का पेपर, तो हिंदी का पेपर देखते कब मिलता है, उसमें देखते। हिंदी थोड़ा सा इसका कमज़ोर पर आज पूरा लिख लिया हूँ मैं। है पूरा लिख लिया हो? हाँ, याद से किसी से चीटिंग ले करके लिखा हूँ। अच्छा, याद था सब कुछ। हाँ, फ्रेंड्स, जयेश ने नेताजी का पोर्ट्रेट बनाया है, ड्राइंग किया है, देखिए देखिए अपने से किया है। कैसा बना है आप लोग कमेंट कीजिएगा। मोबाइल से देख देख के अपने से बनाया है। किसने ड्राइंग किया है, कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
और यहाँ पे देखिए मैं एक मीठा एक स्वीट डिश बना रही हूँ, जिसको हम लोग बंगाली में उसको बोलते हैं पीठा बोलते हैं, तो चुशी पीठा, जो कि संक्रांति में बनता है, लेकिन संक्रांति में बहुत ज़्यादा काम होने के कारण मैं उसको बना नहीं पाई थी। तो ये चावल का आटा है, चावल के आटे से बनता है, तो संक्रांति में तो मैं बना नहीं पाई थी, बाद में बनाई थी। तो चावल के आटे को पानी में पहले, गर्म पानी में पहले ऐसे पकाया जाता है, फिर वो जो है एक डो टाइप का बन जाता है, फिर उसका बनता है उसका छोटा छोटा पीस काट के फिर उसका बनता है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये तो मेरा डो बन गया है, गरम है, इसको अभी हाथ से थोड़ा थोड़ा गूथ लेंगे, नरम करके गूथ के, फिर ज़्यादा नरम भी नहीं ज़्यादा टाइट भी नहीं, गूथ के फिर गीला कपड़े से, कपड़े को मैंने गीला कर लिया है, पानी निचोड़ लिया है, इसको मैं ढक के रख दूंगी 10-15 मिनट, और उसके बाद फिर मैं इसको बनाऊंगी। और अभी फिर से मैं एक बार इसको अच्छे से गूंथ लूंगी, और उसके बाद फिर चावल का आटा, सूखा आटा लगा के फिर बनाऊंगी। कर लिया, हो गया। ये क्या बना रहे हो शेफ? ये मोमेंट है। तो ये देखिए मम्मी पीठा बना रही है, सूजी पीठा। ये देखिए देखा कि मैं पीठा बना रही थी, उसको हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं, बंगाली में उसको पीठा बोलते, तो उसको बना रही थी। लेकिन टाइम हो गया, अभी 10:30 बजा है, तो अभी मैं जयेश को खिला देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा और बाकी है उसको बना के, फिर उसको पहले ऐसे छोटा छोटा पतला पतला काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है दूध में उसको खौलाना पड़ेगा, तो वो काम खाना खाने के बाद करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखिए ऐसा बनता है, और डिनर है चोखा, भात, एक अंडा और दोपहर का पालक। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना मैंने बना लिया है। इधर देखो, इधर देखो, इतना मैंने बना लिया है, थोड़ा सा और बनाऊंगी, अब नहीं बन रहा है मुझसे, कमर उमर दुख रहा है पूरा। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं 9 बजे से बैठी थी, अभी बज रहा है 11:45, अभी भी मैं कर रही हूँ, बीच में थोड़ा सा खाना खाने के लिए ब्रेक लिया था मैंने आधे घंटे का। इतना छोटा छोटा रहता है, इसका बनता है, ऐसे बनता है। इसको बनाना थोड़ा सा टफ है, बहुत टाइम लगता है। देखिए एक चावल के आटे का लंबा सा लोई बना के उसको एकदम छोटा छोटा ऐसे काटना पड़ता है, बॉल टाइप का, और उसको फिर हाथ के हथेली से रगड़ रगड़ के इतना पतला पतला एक बनाना पड़ता है, जैसे मैं बना ली वैसे। तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरा तो कमर अमर दुख गया था, फिर जयेश ने भी हेल्प किया था लास्ट में। ये देखिए कितना सा बना रहा है, वो भी काफ़ी बनाया था उसके हिसाब से, उसके हिसाब से तो वो ज़्यादा ही बनाया था। तो हम लोगों का पूरा नहीं बना पाई थी, पूरा जितना डो था मेरा उतना नहीं बना पाई थी, उसका आधा बनाया था मैंने, तो आधे में काफ़ी बन गया था, हो गया था। तो ऐसा ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाने में उतना ही दिक्कत कोई बात होता नहीं। है। इसको अगर 2-3 लोग मिलके साथ में बनाते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, सब लोग मिलके बनाने से, और अकेले के ऊपर थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट तो मेरा हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है। देखिए जयश ऐसे बना रहा है, इसी टाइप का, इसी टाइप से ये बनता ही है। बहुत लोग इसको, जो लोग एक्सपर्ट है वो लोग अलग तरीके से काटते हैं, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो ऐसे मैं बना रही हूँ। और सब कुछ रेडी करने के बाद मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ दूध। दूध ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा, तब दूध में मैं ये हरी इलायची, 3-4 हरी इलायची कूट के डाल दूंगी, और चीनी डाल दूंगी। तो जब दूध अच्छे से खौल जाएगा, उसके बाद फिर इसमें गुड़ भी डालते हैं, लेकिन गुड़ मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को, बाय मिस्टेक। और उसके बाद जब दूध खौल गया, उसमें जो मैंने काट के रखा था पीठा, इसको मैं डाल दूंगी, और इसको अच्छे से खौला के फिर
फिर जब ये दूध गाढ़ा हो जाएगा तब इसको बंद कर दूंगी और गुड़ को भी डाल दूंगी। खौलते हुए दूध में गुड़ को डालने से बहुत टाइम बहुत समय होता है ना ऐसा कि दूध फट जाता है, इसलिए ये पूरा जब बन जाएगा उसके बाद गैस ऑफ करके फिर गुड़ को मैं डालूंगी इसमें। देखिए ये मेरा पक गया है, ये देखिए पकने के बाद ऐसा कलर आया है। तो अब ये रात में बना के रख दूंगी और सुबह फिर खाएंगे हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। अब इसको मैं रख दूंगी ढक के, थोड़ा सा खोल के रखूंगी और इसको खाएंगे हम लोग सुबह। जब ये जम जाएगा पूरा तब हम लोग खाएंगे इसको। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ फिर कल किसी नए किसी वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय गुड नाइट। मैं आप लोगों को एक बार टाइम दिखा देती हूँ। देखिए पीछे ये तो फ्रंट कैमरा से है, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए टाइम अभी देखिए रात को 9 बजे से लगे और अभी जाके हुआ है। ठीक है बाय गुड नाइट थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय।